नमस्कार दोस्तों, आज के सुबह 11 बजे के शो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। बहुत धन्यवाद, थोड़ा सा लेट हो गया उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। आज का ये शो बहुत ही स्पेशल है दोस्तों, क्योंकि आज ये शो इस टाइम पे लाइव स्ट्रीम हो रहा है इस चैनल पे जहां पे अभी आप देख रहे हैं, ये अजीत बिसेन या डॉक्टर पांडे का। तो जो लोग अजीत बिसेन या कि मेरे चैनल पे इस टाइम देख रहे हैं, वो लोग डॉक्टर अवधेश पांडे के चैनल पे भी जाके ये वीडियो इस टाइम लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। तो एक ही टाइम पे दोनों जगह पे ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है। सो डॉक्टर साहब ने और हमने मिलकर ये फैसला किया कि इकट्ठे आप जो हमारे दर्शक हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब का जो विजन है बहुत बड़ा है और मेरा गोल भी उसी रास्ते पे जाता है, केमिकल फ्री वर्ल्ड, और डॉक्टर साहब एजुकेट कर रहे हैं। सो हमने सोचा कि एक ही प्लेटफॉर्म अगर हम कर रहे हैं तो एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर दोनों चैनल पे आए तो ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। सो मेरे जो दर्शक हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन्होंने अभी तक डॉक्टर पांडे का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाइए उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उनके चैनल्स पे बहुत ब्यूटीफुल तरह के वीडियोस आते रहते हैं, आप उनको जाके देखिए। और फिलहाल आज हम शुरू करते हैं। आज बहुत सारे हम आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बीच बीच में शो में हम आपको बताने वाले हैं, बहुत एक्साइटिंग थिंग्स। मैं आपसे बार बार प्रॉमिस करता रहा हूँ, 2024 इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट ईयर येट। येट इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्ड। ओके, सो अभी डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं, लेट मी एड हिम टू द स्ट्रीम। डॉक्टर साहब नमस्कार एंड थैंक यू फॉर द कमिंग ऑन टू द शो। डॉक्टर साहब को मेरी आवाज आ रही है? आपका म्यूट है, एक सेकेंड डॉक्टर साहब। यस यस, अब अनम्यूट हो गया। डॉक्टर साहब नमस्कार और बहुत धन्यवाद आपका फिर से। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच अजीत। एंड जैसा कि आप ये बोल रहे थे, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे चैनल के भी, मैं उनको भी बोलूंगा कि आपका चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सी चीजें जॉइंटली दोनों चैनल्स पे आएंगी और जॉइंटली हम लोग वो एक और एक 11 की स्थिति में, एक और एक 2 मैथमेटिक्स में तो होता है, लेकिन कई बार एक और एक 11 की स्थिति में हम लोग आ सकते हैं, wherein we can take it forward to a big extent। मकसद ये नहीं है कि बहुत फेमस होना है, बहुत ये होना, मकसद ये है हमें जितने भी लोग देखें, जितने भी लोगों को ठीक लगे कि ये देखें, वो अपना हेल्थ ठीक रख पाए, ये मकसद है। और कोई ऐसा कोई बहुत विराट मकसद नहीं है कि हमारे इतने फॉलोअर्स हैं और ये है वो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जी जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, और मकसद अपना यही है, केमिकल फ्री वर्ल्ड। और आप तो आप बोलते ही हैं मेडिकल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, इज मोर इम्पोर्टेंट, और मेडिकल लोगों के टेस्टिमोनियल्स आपके पास आए हुए हैं, मेरे पास आए हुए हैं, कि सिर्फ हमारे चैनल, हमारे वीडियोस, आपके वीडियोस देख के लोगों ने घर बैठे बैठे अपने आप को ठीक किया। और आप कहते भी हैं कि सिर्फ जो लोग नहीं ठीक हो पा रहे हैं वो हम उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं, और वो आए थर्ड आई में आए। सो पीछे का मनोरम दृश्य एक बार फिर से, आप बैठे हैं थर्ड आई देहरादून में। और दोस्तों मैंने बोला था कि 2024 का जो माइक्रोबायम कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ, कुछ स्पेशल दूंगा, और डॉक्टर साहब हैज़ एज यूजुअल, इनका जो विराट हृदय है, फिर से इन्होंने आज, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि लोगों से, मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शक हमेशा आपसे मिलने को आतुर रहते हैं, तो जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे जो कोर्स में एनरोल करेंगे, डॉक्टर साहब ने हैप्पली एग्री किया है कि जो लास्ट कोर्स जो क्लास होगी वो मेरे ख्याल से लास्ट 24th or 25th of February है। तो जो लोग चाहें, डॉक्टर साहब ने एक चीज़ और देखी इनकी विराटता, कि इन्होंने कहा कि हम ऐसी कोई फीस नहीं रखने वाले हैं कि भी आप आके वो हम इसके लिए रखने वाले हैं फीस, बस ये है कि जो दिन का बोर्डिंग का खर्चा होगा, जो खाने पीने का खर्चा होगा, बस वो लेंगे और जिसको जहाँ रहना है वो रहे। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए डॉक्टर साहब, कि क्या जो लोग थर्ड टाइम, अगर मान लीजिए आपसे मिलने आते हैं, आपके हाथ से सर्टिफिकेट उनको मिलेगा आखिरी दिन, तो जो लोग आपके यहाँ थर्ड टाइम में, क्योंकि इतना मनोरम दृश्य है और हमेशा मेरे को लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हम लोग एक दिन जरूर, एक दिन वहाँ पे एक रात के लिए भी रुकना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर मान लीजिए लोग आते हैं डॉक्टर साहब, तो उसके लिए क्या संभावना है? थैंक यू अजीत ये बात बोलने के लिए भी। हिमालय की गोद में मुझे अभी तक ऐसी कोई जगह कहीं भी भारत में नजर नहीं आई जहां पर चारों तरफ इतने लंबे लंबे हिमालय हैं, और ठीक जहां पर फुट हिल्स है वहां पर थर्ड आई है, और थर्ड आई के बाद नदी है, मतलब और कुछ हो भी नहीं सकता है वो वाली स्थिति में। तो यहाँ पर चूंकि ये दिल अपना बहुत बड़ा है, लेकिन ये प्लेस उतना
एकोमोडेट कर पाएगा इसके लिए ये है, लेकिन जो लोग अगर चाहते हैं एग्जैक्टली थर्ड आई में ही रुकना, वो अपना रिक्वेस्ट पहले से अगर भेज दें और हमारे पास लिस्ट हो, तो हम एक काम कर सकते हैं कि उस दिन सभी पेशेंट्स को उसके पहले, मतलब ये प्लानिंग करना होगा ताकि एक दिन के लिए फ्री रखा जाए ताकि ये लोग आके ये रहें, या को एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन रूम्स की पॉसिटी हो सकती है। तो एक वो भी था कि हमारे आसपास जितने 50-60 होटल्स हैं, तो ये सभी लोग तत्पर रहते हैं कि हम हमारे यहाँ कुछ हो, कुछ कंसेशन भी देने के लिए ये तैयार है। हमारा ये फीलिंग होता है कि अगर मान लीजिए हम कोई एक लमसम अमाउंट चार्ज करते हैं, तो लोगों को कहीं ये ना लगे कि ये जो लमसम अमाउंट है कोई इनकम के लिए चार्ज किया जा रहा है। इसलिए मैंने ये वाला जो है अपना यहाँ पर दिन भर की प्रक्रियाएं जो भी होंगी अपार्ट फ्रॉम सम नॉमिनल फीस, बाकी सब कुछ फ्री है, जैसे अपना कॉन्फ्रेंस हॉल फ्री है, ये वो विल कीप दैट फ्री फॉर द स्टूडेंट्स, और वो यहाँ पर भ्रमण भी बहुत आराम से कर सकते हैं, नदी में बैठ सकते हैं, सहस्त्र धारा में पांव रख के बैठ सकते हैं, जो कई लोगों का ड्रीम, बहुत दूर दूर से लोग 5 मिनट के लिए सहस्त्र धारा में पांव रखने के लिए आते हैं कि वो पानी जो है वो इम्बाइब कर लें और उनके स्किन डिजीजेस ठीक हो जाए, तो वहाँ दिन भर बैठ सकते हैं, वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पानी पी भी सकते हैं, वो पानी बिल्कुल पीने लगे, झरने से यहीं पे गिर रहा है और यहाँ पे वो जा रहा है, तो ये कर सकते हैं। लेकिन उनको रुकने का अगर यहाँ पर मौका है, हमें बड़ी खुशी होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर फुल हो गया है, तो आसपास के होटल्स में बहुत नॉमिनल रेट्स पे हमने उनसे बात की हुई है, क्योंकि हम कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं, तो वो उसका लाभ उठा सकते हैं। लिस्ट हम ये दे देंगे, जिसकी जैसी मतलब खुशी होगी। हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि उन लोगों को पिकअप एंड ड्रॉप भी, अगर अपने पास गाड़ियां अवेलेबल है, तो वो कराया जा सके, ताकि उनको मतलब कोई चीज मिस ना करे वो, और वो दिन भर यहाँ पर रह सकते हैं। दैट्स इट। तो ये मैं ये बोलना चाह रहा था जितने भी दर्शक हैं उनके लिए, एंड मैं ये चाहूंगा कि आप यहाँ पर एक बार जरूर आए जी। क्या बोल रहे थे, कुछ आपने बोला मैंने सुना नहीं। जी आई थिंक देयर इज एन इशू ऑफ सिग्नल का कोई इशू है। आप जहां पे बैठे हैं वो भी दृश्य काफी मनोरम है, ये कहाँ का है? डॉक्टर साहब, आज का आपकी आवाज बीच में पैकेट्स में आ रही है, कट कट के आ रही है, तो देयर इज अ सिग्नल इशू ईदर फ्रॉम योर साइड और फ्रॉम माय साइड। ये वैसे अगर आपने फुल स्क्रीन दिया है, तो मैं ये समझता हूँ हमें वाद दोष पे बात करना चाहिए, तो इफ देयर इज एनीथिंग एल्स तो मुझे बताइए। लेकिन ये जो प्रकृति है, एक सेल की बात पे हम कर रहे हैं कार्यक्रम, और इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे, जो वर्कशॉप की बात की थी, इसलिए आज मैं स्पेशल शो कर रहा हूं। सो वायु दोष के बारे में डॉक्टर करेंगे। ठीक है, तो इसको
समझने के लिए. एम आई ऑडिबल अजीत? आप एक बार आके बताइए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट बात है. ये बार बार लोगों को एक बार स्क्रीन पे आके अवतरित होके बताइए कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है. गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई नो इट इज कमिंग, सो दैट वी कैन स्टार्ट. जी, गिव मी अ थम्स अप ताकि मैं शुरू कर सकूं. एंड जी, तो आयुर्वेद में जैसे एक्सप्लेन है, मैं वैसे कोशिश करूंगा एक सेल के लेवल पे एक्सप्लेन करूं. वन सेल रिप्रेजेंट्स योर होल बॉडी. आप इसको भी एक सेल ले सकते हैं, इसमें 100 ट्रिलियन सेल्स है, उस वो सेल को भी एक सेल ले सकते हैं. तो आप जैसे भी ठीक समझे, इसको समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड. जैसे एक सेल को अगर लिया जाए, तो सेल में जो उसका मैटर है, सेल का साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ऑर्गेनिल्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सारा कुछ मेरी आवाज आ रही है अजीत? ओके ओके, सो वी स्टार्ट. ओके, यस, स्टॉप स्टॉप, सॉरी अबाउट दैट. तो मैं ये बोल रहा था, बात बात दोष समझने के लिए व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, इस पूरे बॉडी को एक सेल समझ लीजिए. या तो पूरे बॉडी को समझ लीजिए, या फिर जो जो 100 ट्रिलियन सेल्स हैं उसमें से एक सेल को सेल समझिए. सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ. इस यूनिट ऑफ लाइफ को जो स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म है, उसमें न्यूक्लियस है, उसमें ऑर्गेनिल्स हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कफ चाहिए. उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में मेंटेन करने के लिए पित्त चाहिए. और सभी चीजों को मूवमेंट के लिए, ताकि बिकॉज सेल इज अ डायनेमिक स्ट्रक्चर, इज नॉट अ स्टैटिक स्ट्रक्चर, तो उस मूवमेंट के लिए वात चाहिए. तो वात, पित्त और कफ, मैंने कोशिश की कि एक आम आदमी तक कैसे ये जानकारी पहुंचे कि वात क्या है, पित्त का क्या रोल है, कफ का क्या रोल है. अब जितनी बीमारियां ह्यूमन काइंड को पता है, 10,000 बीमारियां हैं, इसमें से आप सरप्राइज हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 90% बीमारियां वात की बीमारियां हैं. इसीलिए वात दोष को समझना बहुत जरूरी है. अगर हार्ट अटैक है तो वात की बीमारी है, जॉइंट पेन है तो वात की बीमारी है, आपके दांत में दर्द है वात की बीमारी है, आपके मसल में कहीं दर्द है वात की बीमारी है,
पेट में दर्द है, वात की बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन है, वात की बीमारी है, एसिडिटी है, वात की बीमारी है, उसमें पित्त का एलिमेंट हो सकता है लेकिन है ये मूलतः वात की बीमारी। तो विच मीन्स एनीथिंग दैट इज मूविंग, अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है वो वात की प्रॉब्लम है। विच ऑल्सो मीन्स दैट आपका आपकी बॉडी में जब आप स्टैटिक बैठे हैं तो क्या क्या चीजें मूव कर रही हैं, योर ब्लड, योर लिम्फ, योर एयर, योर एवरीथिंग, ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ये मूव कर रही है, तभी सब जगह ऑक्सीजन ये पहुंच रहा है। तो ये मूवमेंट में जहां कोई प्रॉब्लम आएगा वो वात का प्रॉब्लम है। तो इसलिए 90% जितनी भी बीमारियां आप जानते हैं या इंसान जानता है वो वात की बीमारियां हैं। अगर आपने वात दोष अपना ठीक कर लिया तो बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो जो ये बॉडी जो है, जो हम जो एयर एलिमेंट है बॉडी में, एक तो उसका रिप्रेजेंटेशन है, इसीलिए एयर एलिमेंट जहां जहां पे रिप्रेजेंटेड है उसको प्रेशर देने को एक्यूप्रेशर कहते हैं, उसमें पंक्चर करने पे एक्यूपंक्चर बोलते हैं, उसमें जो जो नर्व सप्लाई अगर सप्लाई को स्टिमुलेट कर दिया जाए जो वहां पर उसकी स्थिति ठीक कर सके उसको मर्म थेरेपी कहते हैं। बात यह है कि ये जितनी भी चीजें हैं जो हम कल से लेकर 3 दिन तक हमारे यहाँ पेन रिलीविंग कैंप है, जहां पर आपके पास जो भी पेन है वो आप लेके आए, ये सारे वात दोष है। ये पेन के लिए आप 11, 12, 13 दिसंबर 2023 को थर्ड आई में आप वॉक इन आ सकते हैं, सहस्त्रधारा बस स्टैंड में है ये बस स्टैंड में, आप मेन बस स्टैंड में जैसे आएंगे एक ही गेट है वहां से एग्जिट का, वो गेट पे है, वो गेट थर्ड आई का गेट है, वो आप सीधा का सीधा थर्ड आई में आ सकते हैं। और ये तो 11, 12, 13 को हम एक कैंप कर रहे हैं जहां पर जो भी पेन है आपको, जितने भी सालों से पेन है, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ये कैसे इतने कम टाइम में पेन भी चला गया। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कैसे आप कैसे अपने जीवन को करें ताकि पेन ना हो। ये सारी वात के दोषेस है, जितना भी आपको पेन है, जितना भी आपका स्वेलिंग है कहीं, ये वात के दोषेस है। इसमें एलिमेंट पित्त और कफ का हो सकता है लेकिन वात का मूलतः दोष है, तभी जाके ये प्रॉब्लम्स है, तभी जाके ये पेन है। तो मैं ये बता रहा था कि मैक्सिमम जो आपको प्रॉब्लम्स मालूम है या बीमारियां मालूम है वात की बीमारियां है। नाउ जब आपका एयर, उसको आयुर्वेद ने 5 भागों में उस हवा को डिवाइड किया है, डिपेंडिंग अपॉन हवा किस रीजन में है और क्या काम करती है। तो प्राण वायु सबसे पहले, जो आप हवा लेते हैं वो प्राण वायु है, जो ऊपर की तरफ है वो उदान है, जो बीच में है नाभि के पास जहां से आपका एक्सिस चलता है, जहां से सारा आपका जो एनर्जी चैनल्स जो हैं वहीं से मॉड्यूलेट होते हैं, वो समान वायु है। और उसके नीचे है अपान वायु, अपान वायु में प्रॉब्लम आता है तो कॉन्स्टिपेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सारा कुछ अपान वायु का प्रॉब्लम है। और ये एक है व्यान वायु, जो आपका सारा कुछ वो आपका ओजस, ये ओजस और तेजस दोनों बढ़ाता है व्यान वायु। तो प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान, ये 5 वायु हैं। इनमें कहीं दोष है तो वो पूरा का पूरा वात दोष को इफेक्ट कर सकता है। अगर आपका प्राण ही ठीक से नहीं आ रहा है तो कोई भी वायु ठीक से काम नहीं करेगा। तो ये इंटरकनेक्टेड है आपस में, आपको एक बैलेंस बना के चलना जरूरी है। और अगर वात दोष है उसका सबसे बड़ा अगर कोई ये कारण हो गए, निवारण सभी वायु का सबसे बड़ा निवारण है इफ यू कैन एक्सटर्नली और इंटरनली गिव प्रेशर।
और अगर आप प्रेशर दे पाते हैं, चाहे इंटरनल दे पाए चाहे एक्सटर्नल दे पाए, एक्सटर्नल मसाज हो गया ये, उसको फैसिलिटेट करने के लिए आपको ग्रीजिंग चाहिए, तो ऑयल, इसीलिए जो ऑयल पुलिंग करके मैं बोलता हूं ऑयल पी जाने के लिए, ये बहुत सोची समझी चीज है। बिकॉज ये मैं ये चाहता हूं जितने भी दीर्घायु लोग हैं जो 100 साल के ऊपर हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं आज, जो सुन रहे हैं मुझे या नहीं भी सुन रहे हैं, या कोई उन तक ये पहुंचा सकता है, उनको दुनिया से शेयर करना चाहिए कि उन्होंने अपनी लाइफ में एवरी डे एक चम्मच तेल का सेवन किया ही है। और तेल जब मैं बोलता हूं, आई डू नॉट मीन रिफाइंड ऑयल, नो आई डोंट मीन दैट, आई मीन तेल किसी भी चीज का निचोड़ है, तो वो जितनी वनस्पतियां हैं उसका निचोड़ तेल है। और तेल को जैसे ही आपने गर्म कर दिया, वो तेल कैंसरस हो गया। इसीलिए तेल, तेल खाना अच्छी बात है, तेल को ऊपर से डालना ठीक बात है, या उसको पी जाना ठीक बात है, या उसको किसी चीज सैलेड के ऊपर डाल लीजिए वो ठीक बात है, लेकिन तेल में फ्राई करना ठीक नहीं है। और दो तीन बेसिक बातें याद रखनी है हमें। अगर आप तेल पीते हैं तो गुड कोलेस्ट्रॉल, जो मैं इस कोलेस्ट्रॉल वाले बातों में किसी भी बात से बहुत एग्री नहीं करता हूं, मॉडर्न मेडिसिन के बहुत सी बातों से मैं एग्री नहीं करता हूं, तो आपको, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन भी मानती है कि एक एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल, और एचडीएल की मात्रा अगर बढ़ानी है तो आपके पास उपाय तेल पीने के अलावा कोई और है तो मुझे जानने में बड़ी दिलचस्पी होगी। मेरे समझ से सबसे बड़ा उपाय है तेल का बिना गर्म किए सेवन। अगर आप बिना गर्म किए सेवन करते हैं उसका, तो वो बहुत बड़ा उपाय है, आपका एचडीएल हाई रहेगा और आपका सभी, आपके फ्लोज ठीक रहेंगे, आपका लिम्फैटिक फ्लो ठीक रहेगा, सर्कुलेशन ठीक रहेगा, सांसें ठीक आएंगी, सांसें ठीक जाएंगी, लंबी सांस आएगी, सारा कुछ आपका ठीक चलता रहेगा और एचडीएल उसको करता है। तो आप टेक्निकली स्पीकिंग, आप अगर ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप आज अपना पूरा कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल करा लीजिए, लिपिड प्रोफाइल कहते हैं उसको, लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए, उसमें एचडीएल एलडीएल वीएलडीएल सब आते हैं। एक महीना एक एक चम्मच तेल पीजिए, एक महीने के बाद फिर से अपना लिपिड प्रोफाइल और एक ईसीजी भी करा लें, ईसीजी भी आज करा लें और तीन महीने बाद करा लें, ये सॉरी वन मंथ बाद करा लें, और एक एक चम्मच ऑयल पीते रहें। आप अपने फेस का भी रोज एक सेल्फी लेके देखें, आप देखिए अगर आपकी झुर्रियां ज्यादा पड़ रही हैं, ये वात दोष है, अगर आपको लेजीनेस आ रहा है ये वात दोष है, अगर गैस की प्रॉब्लम है वात दोष है वो, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है वात दोष है वो, ये सभी चीजें आपको अपने आप में बैलेंस करने की जरूरत है। वो कैसे बैलेंस करेंगे, उसका सबसे बड़ा और अच्छा उपाय है एक चम्मच तेल रोज पीना। इसके बाद जितने उपाय हैं वो बाकी 10% में आते हैं, 90% आपको उपाय मैंने एक ही बार में बताया कि आप इससे बड़ा उपाय मैं नहीं जानता हूं। और तेल जो आप पी सकते हैं वो आप लगा भी सकते हैं, तो वही चीजें बॉडी में लगाएं जो आप खा सकते हैं। तो जो तेल आप पी सकते हैं वो आप बॉडी में लगा भी सकते हैं। इट इज अ गुड आइडिया सुबह सुबह उठ के तेल चारों तरफ मलना, आप अपना वात दोष ठीक कर रहे हैं। अगर आपका हाथ नहीं पहुंचता है तो रोज ट्राई करिए ये पहुंचाने का, ताकि आपके जॉइंट्स ठीक चलें, आपका ये सारा, हर कोई दूसरा ही करेगा कि नहीं मेरे पास मसाज करने वाला कोई नहीं है इसलिए मैं तेल नहीं लगा पा रहा हूं, तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप
स्वावलंबी बनिए और आप खुद करना शुरू करिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो मैंने आपको बताया कि वात के दोष क्या है, उसका निवारण 90% ये क्या है, बाकी सब चीजें 10% में आती हैं। 10% में जो चीजें हैं वो है रुचिकार भोजन। इसमें बिलोना घी, बिलोना से निकला हुआ जो जो घी है उसका भी बहुत रोल है, जो गौ माता का घी है उसका भी काफी रोल है इसमें। तो आप, लेकिन अब बिलोना से निकला हुआ घी आपको कहीं नहीं मिलेगा मार्केट में, बहुत कम जगह मिलता है। तो वो है कि वो देसी गाय का देसी घी, वो मैं इन एडवर्टाइजमेंट्स पे बहुत विश्वास नहीं करता हूं, बट नंदलेस आपको अगर बिलोना वाला घी मिल जाए तो वो भी वात दोष के लिए बहुत अच्छी चीज है। इसीलिए घी खाने के लिए हमें बोला जाता है ये करना है, लेकिन रिफाइंड नहीं, रिफाइंड नहीं। आप देखिए 60 years back हार्ट अटैक्स आपने कब सुने थे? उस समय लोग घी और तेल बहुत खाते थे, हार्ट अटैक्स आपने सुने नहीं थे। ये सारा कुछ जब इन कंपनीज की नजर पड़ी कि आपसे कैसे पैसे ऐंठे जा सकते हैं, कैसे आपके तेल को मॉड्यूलेट और उसको रिफाइन और उसको प्रोसेस किया जा सकता है और उसमें एंगल जोड़ा जा सकता है कि आपका हार्ट अटैक नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो चीजें बढ़ गई, क्योंकि हम इन इन मिथ्याओं पे विश्वास करने लग गए, हम बेसिक्स पे आए। इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं, इन स्पाइट ऑफ प्रैक्टिसिंग मॉडर्न मेडिसिन इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हेल्थ कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली व्हाट भारत हैज टू ऑफर टू अदर पीपल इंक्लूडिंग इंडियंस एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें भारत ने पहले भी कैसे कंट्रीब्यूट किया है, आज भी कैसे कर रहा है, फ्यूचर में भी करता रहेगा। हम कोशिश हमारी यही है कि ये स्थितियां ऐसी ही चलती रहे और हम आपको सारी बातें बताते रहें ताकि आप घर बैठे अपने सारे प्रॉब्लम्स दूर करते रहें। अगर आपसे नहीं होता है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन ये आप हमारे लाइव प्रोग्राम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम कई बार ट्राई करते हैं कैमोफ्लाज करके उसका आंसर देना, क्योंकि एनी चैनल, मेरा चैनल भी और अजीत का चैनल भी, इज नॉट फॉर मेडिकल एडवाइस, इट इज टू एडुकेट पीपल कि उनका क्या प्रॉब्लम है और आप उससे कितना सीख पाए और अपने जीवन में उतार पाए। अपना पर्पस यही है, बट फिर भी अगर कोई दोष, अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, अजीत विल बी काइंड इनफ टू गिव कॉन्टेक्ट नंबर्स ताकि आप कांटेक्ट कर सकें, हम आपके आप हम तक पहुंच सकें। लेकिन फिर भी मैं एक बार और रेटरेट करूंगा कि आपने अगर हमारे ख्याल से 8-9 वीडियोस, मैं एक दिन कैलकुलेट कर रहा था, 8-9 वीडियोस जो मेन डिजीज के हैं, एक एक घंटे के वीडियोस आप अगर देख लेंगे तो 80% चांसेस हैं कि आप अगर उसको एमुलेट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको होगा नहीं। ये मेरा बोलना था जी अजीत, बिल्कुल। तो मैंने कोशिश की ये सारा कुछ बताने का। जी डॉक्टर साहब, आप दोनों तरफ से दोनों विकेट्स पे खुद ही बैटिंग करते रहे एक्चुअली। थैंक यू सो मच, आज बहुत जबरदस्त, क्या बोलूं, लोग लाइक कर रहे हैं वीडियो और आज जैसा व्यूअरशिप बहुत टाइम के बाद आया, इसलिए लगता है मैं रिमोट एरिया में था सो मेरा नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए मेरा सिस्टम थोड़ा गड़बड़ाया हुआ था। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का सपोर्ट प्यार ऐसा ही मिलता रहे और ऐसे ही डॉक्टर साहब आप लोगों के लिए फ्री चीज़ें लेकर आ रहे हैं और कुछ वर्कशॉप वगैरह होता है और डॉक्टर साहब का ये कहना भी होता है और सही मैंने भी देखा कि जो पेड आप कुछ भी पे करते हैं तब आपको उसकी महत्वता तब समझ में आती है, तब आप उस पर काम करते हैं, अदरवाइज फ्री समझ के उसको ऐसे ही साइडलाइन कर देते हैं। तो वैसे ही एक दो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, एक तो ये वायु वर्कशॉप जो आज हमने ये प्रोग्राम ही डॉक्टर साहब ने पूरा कवर किया, लेकिन जो वायु वर्कशॉप डॉक्टर साहब करने वाले हैं उसमें 4-5 पेशेंट्स को लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, तो वो आप लोग इंटरेस्ट रजिस्टर करिए, वो हम वर्कशॉप आपके लिए लेकर आएंगे।
वो अलग से होगा, वो पेड प्रोग्राम होगा, डॉक्टर साहब ने 500,000 जो भी डॉक्टर साहब रखेंगे उसकी फीस जो इनकी टीम रखेगी, प्लस पेन मैनेजमेंट का भी डॉक्टर साहब ऐसे बिल्कुल मिनिमम पेमेंट लेके वहाँ पे आप आइए, देहरादून में डॉक्टर साहब करते हैं एवरी मंथ फर्स्ट वीक में करते हैं। और अगले मंथ मेरी भी ये कोशिश होगी कि मैं डॉक्टर साहब के साथ वहाँ पर होऊंगा, तो जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहेंगे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग आइए, उस दिन भी अपना दिन बिताइए डॉक्टर साहब के साथ। और जो लास्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी होगा फिर उसमें हमारा कंक्लूजन एपिसोड होगा, शो होगा, क्लास होगी माइक्रोबायोलॉजी। तो काफ़ी लोगों के मैसेज मेरे पास पर्सनली आ रहे हैं दोस्तों, मैं इसमें अब लिंक डाल दूंगा। फिलहाल डॉक्टर साहब जो वायु वर्कशॉप है उसके लिए आपकी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज उनसे बोलिए कि लोग बहुत ज़्यादा मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मुझे लगता है 25-30 लोगों के आ चुके हैं सर। सो उसका हम कैसे करना चाहें थोड़ा सा अगर आप लोगों को, क्योंकि देखिए अभी कॉन्टैक्ट नंबर इसमें भी बताने लगे, तो डॉक्टर साहब का जो कभी भी डॉक्टर साहब से कॉन्टैक्ट आप लोग करना चाहें तो उनका कॉल सेंटर नंबर है 9815099999। मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो डॉक्टर साहब उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को थोड़ा सा अपडेट कर दें कि आप कैसे प्लान कर रहे हैं जो वर्कशॉप का आपका आइडिया है। हाँ, तो मैं ये ऑनलाइन प्लान कर रहा हूँ ताकि वो घर पे बैठ के बड़े आराम से सारा कुछ अपनी खुद की निगरानी में वो कर सकें। हम ऑनलाइन कनेक्टेड रहेंगे, 1 घंटे, एक से 3 घंटे का वो अभी हमने स्ट्रक्चर नहीं किया है। वील हैव अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम ताकि जी ये सारा कुछ उनका हम वात दोष ठीक कर पाए, या उनको ठीक करने की स्थिति में उनको वो रास्ता पे लेके आ पाए ताकि वो अपनी डिजीजेस खुद रिवर्स करने लगे। एक बात याद रखिएगा, नंबर 1 इज आपका रिस्पॉन्स, नंबर 2 इज आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनको भी बताइए, क्योंकि मैं ये देख रहा था जो जो हमारा मिशन है जी स्वस्थ भारत का, और जी हम इतने लोगों को छू पाए ताकि अगर उनका वात दोष ही ठीक कर दें तो 90% प्रॉब्लम्स उनके सॉर्टेड हो जाएंगे। तो जी ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और इसका फी स्ट्रक्चर भी हम ऐसा रखेंगे कि दुनिया में सभी लोग अफोर्ड कर पाए, कोई ऐसा ना रहे जो वंचित रह जाए इससे। तो वी विल ट्राई टू, अभी हमने वैसे स्ट्रक्चर नहीं किया, बट वी विल, आपके रिस्पॉन्स पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपका। अगर जी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स होगा, जो लोग एक्चुअली ये मतलब ये करें, सो दैट वी कैन सेट अ डेट आल्सो एंड वी कैन सेट द निटी ग्रिटीज ऑफ अ वर्कशॉप, कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, कितने लोग इन्वॉल्व जी हैं, क्या क्या चीज करना है, हम पेशेंट्स इकट्ठा करके उस दिन ये रखें ताकि आपको डेमो भी दे पाए कि करना कैसे है और उसके बाद इफेक्ट क्या आता है। और एक चीज की आप गारंटी, हेल्थ की गारंटी तो मैं नहीं दे सकता हूं क्योंकि मैन्युफैक्चरर गारंटी देता है, तो अगर हेल्थ की गारंटी चाहिए तो मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जी हम नहीं दे पाएंगे, हमारा प्रयास है। लेकिन एक चीज की गारंटी हम जरूर आज देना चाहेंगे कि हमारे प्रयास में कहीं कोई कमी ना ना हो, इसकी गारंटी है नंबर 1। नंबर 2, आपको ये जरूर गारंटीड है कि जितने भी लोग आपको दिखाए जाएंगे, जो 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 एक्चुअली ये करे, दे आर नॉट एक्टर्स, दे आर एक्चुअल पेशेंट्स, और वो जो भी हम ये करके उनका जो भी है प्लस या माइनस वो उसी समय बताएंगे, ताकि कोई ट्यूटर्ड ना लगे आपको कि नहीं ये ट्यूटर्ड है और ये है, तो वो सब खेल हम कोशिश करते हैं, अवॉइड ही करते हैं। जैसे कल उसका हमें प्रमोट करना था, मतलब वो एक उस पे देना था इंस्टाग्राम पे, तो मुझे किसी को बुलाना पड़ा कि तुम भाई आओ और बताओ कि तुम्हारा पेन है, तो वो आया बताया कि मेरा पेन है, और तब जाके मैंने, जस्ट बिकॉज वी वॉन्टेड टू सेंड अ मैसेज दैट यू नो वी आर ट्राइंग टू डू दिस वर्कशॉप 11, 12, and 13 December, लेकिन वो आई डोंट अग्री विद सच थिंग्स, ये एडवर्टीजमेंट के लिए संभव है लेकिन एक्चुअल पेशेंट्स के लिए ऐसा कभी भी नहीं होगा।
तो वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट ताकि आप डिजीज फ्री रह सकें और अपना काम, जिस कार्य में आप लगे हैं उसमें आप लगे रहें। आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप देश की सेवा ही कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उससे इनकम जनरेट हो रहा है, इनकम से आप इकोनॉमी को पंप कर रहे हैं। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं करते रहें, ये देश की सेवा में ही है। जी जी जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। दोस्तों, फिर आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जैसे ही वीडियो खत्म होता है उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में डालें, क्योंकि जो लाइव चैट आप दे रहे हैं, ठीक है, ये उसके बाद कुछ टाइम के बाद यूट्यूब इसको हटा देता है। सो वीडियो खत्म होता है आप कमेंट करके अपना इंटरेस्ट शो करें और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे हम व्हाट्सअप, जैसे हमने बोला, हम करेंगे। और जो मेरा माइक्रोबायम का कोर्स है दोस्तों, उसमें भी यही बात मैं बोलूँगा कि अभी मैं इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ माइक्रोबायम के बारे में नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि मेरे वेबसाइट पे जाइए, bforbisen.com, उसमें आपको रियल लोग हैं जिन्होंने वाकई में जो मेरा प्रोटोकॉल फॉलो किया और उनकी लाइफ चेंज हुई है। तो हम उसमें विश्वास नहीं करते कि हम, जैसे बाकी बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं। इसीलिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, 500 से ज़्यादा लोग हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। यू विल गेट टू नो कि ये एक्चुअल में काम चल रहा है, ये हम ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद वाकई में लोगों के दिलों में जाके, उनकी लाइफ में जाके चेंज करने का है, उनकी लाइफ बदलने का है। और डॉक्टर साहब ने जैसे बोलते हैं कि आप एक इंसान ठीक होता तो दो को ठीक करना है, हमारा कोशिश यही है कि पूरा समाज ठीक हो, भारत ठीक हो, विश्व ठीक हो। हमारा, हमारी सोच बहुत बड़ी है, हम बहुत बड़े उसके लिए काम करें, लेकिन आपके सहयोग के साथ। तो आप लोग ऐसा ही प्यार दिखाते रहिए, ऐसा ही आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए और क्वेश्चन पूछते रहिए। डॉक्टर क्वेश्चन देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और वही बात कि एक बात मैं बोलना चाहूंगा जी, जो माइक्रोबायोम है, जी डॉक्टर प्लीज, जो माइक्रोबायोम है ये वात मॉड्यूलेटर है। तो आप अगर कोई, जो भी आपके अंदर में जो माइक्रोब्स हैं, इसे, ये सिर्फ बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, यीस्ट, म्यूकर, सब कुछ है। तो ये सभी चीजें आपका वात मॉड्यूलेट करती हैं। और आपको एक दो चीजें समझनी पड़ेंगी, सिविलाइजेशनल वॉर्स समझना पड़ेगा। सिविलाइजेशन, बहुत सी चीजों का सोर्स सेम होता है, लेकिन सिविलाइजेशन वॉर्स में जो प्रॉब्लम आती है वो उस सिविलाइजेशन की, मैं एग्जांपल के साथ बोलूंगा तो आपको समझ आएगा। जैसे सोर्स गेहूं है, प्रोडक्ट भारत में रोटी है, बाहर में ब्रेड है, सिविलाइजेशनल वॉर है। ये सिविलाइजेशंस अलग अलग हैं जो अलग अलग सोच की हैं। तो मैं तो दोनों को बुरा मानता हूं आज के दिन में, बिकॉज वो जीएमओ है। मैं तो दोनों को बुरा मानता हूं आज के दिन में, 40 साल पहले नहीं था और वो वाला गेहूं मिलता नहीं है। नहीं, नंदलेस, मैं 40 साल पहले भी, कौन सा बेटर था, रोटी बेटर थी या ब्रेड बेटर था? कहने का मतलब है, आप, ब्रेड इज फर्मेंटेड, आपने गेहूं को फर्मेंट कर दिया, फर्मेंट करके उसको ऐसी स्थिति में आप ले आए कि वो ज्यादा फूल जाए, क्योंकि आपके पास अनाज की कमी है। तो आप फूला फूला दिमाग में ये बैठा रहे हैं कि तुम ज्यादा खा रहे हो, तुम्हारा पेट भर जाएगा, इतने में इतना फूला हुआ ब्रेड बना दिया आपने, हमने उसको कॉम्पैक्ट करके रोटी बना दिया। रोटी अगर आपको फर्मेंट भी करना है तो रोटी इजिली फर्मेंटेबल है, नेक्स्ट डे आप वो जो रोटी खाएंगे वो अच्छी है। हाँ, आप मतलब 36 घंटे बाद ना खाएं और 40 घंटे बाद ना खाएं, क्योंकि वो सड़ सकती है, और वो 40 घंटे के बाद ही शुरू करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये, अब जैसे शुगर केन, सोर्स यही है शुगर केन, उससे गुड़ भी बनता है, चीनी भी बनता है। सिविलाइजेशनल वॉर्स है ये। गुड़ के प्रॉपर्टीज देख लीजिए, चीनी के प्रॉपर्टीज देख लीजिए। चीनी विदेशों का सिविलाइजेशन का वॉर है, मतलब उनकी ये देन है, गुड़ हमारा देन है। अब ये कोई अंधा ही, ये कोई बेवकूफी है जो ये बोलेगा कि दोनों दोनों बुरे हैं। मैं तो बोल रहा हूं दोनों बुरे हैं आज के दिन में, लेकिन उन दोनों में से अच्छा कौन है? तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी सिविलाइजेशन पहचाननी बहुत जरूरी है। आपकी जो लीनिएज है, आपके इतने सालों से लोगों ने इस पे काम किया है, कि ऐसा नहीं है कि आप अगर भारतीयता में आ गए तो बहुत सी चीजें आप वैसे ही सुधर जाएगा।
आपका हेल्थ भी, आपका तन भी, आपका मन भी और आपकी प्रकृति भी। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। और जो ये दोस्तों अगेन जैसे फर्मेंटेशन की बात कर रहे थे कि ये और ये गुड़ और चीनी की बात कर रहे हैं, हमारे को डॉक्टर साहब प्रॉब्लम यही है कि सफेदी के नाम पे, सफाई के नाम पे ऐसा हमारे दिमाग में भर दिया गया है। अगेन दोस्तों ये सब कुछ मैं कवर करता हूँ अपने कोर्स में भी, जर्म थ्योरी जो लुईस पाश्चर का था वर्सेस जो एंटोन बिशैम था जो टेरेंट थ्योरी बोलता था, तो उन दोनों में लुईस पाश्चर उस टाइम जीत गया, पाश्चराइजेशन आ गया, दूध को पाश्चराइज किया, सब कुछ पाश्चराइज किया जा रहा है और उसमें से एंजाइम्स माइक्रोब्स गायब है, है ना, पानी हम आरओ पी रहे हैं उसमें से मिनरल्स गायब है, सब कुछ गायब है और हम उसमें खुशी से बताते हैं, हम प्राउडली बता रहे हैं हम चीनी खा रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि साफ सफाई है इसमें ज्यादा, वो गुड़ में जो गंदा गुड़ दिखेगा काला वाला वो हम नहीं खा रहे हैं। तो हमारे दिमाग का ये भ्रम है ना, हमारे को स्किन में बताया गया कि गोरा होना बहुत अच्छी बात है और गोरा होना ठीक है उस एरिया का, वो क्लाइमेटिक सब कुछ था। अब हमें सनस्क्रीन लगाया जा रहा है, सनस्क्रीन लगाने से कैंसर नहीं होगा, जबकि सनस्क्रीन लगाने से कैंसर हो रहा है। सो मार्केटिंग का गिमिक जो डॉक्टर साहब बोलते हैं वो समझने की कोशिश करिए, जो हमारी भारतीयता में जो खूबसूरती है, जो प्रकृति के साथ निवास है हमारा, को एग्जिस्टेंस है, नॉट ओनली को एग्जिस्टेंस बल्कि हम उसको और बढ़ावा देते हैं कि हम प्रकृति को पहले देते हैं कि प्रकृति रहेगी तभी हम रहेंगे। दैट इज द रीजन कि हम हर एक चीज में कण कण में शंकर, ये पहले मजाक उड़ाते थे लोग, जबकि अभी क्लियर साइंस में भी एविडेंस आ चुका है कि कण में भी कॉन्शियसनेस है। तो भारतीयता पे जैसे डॉक्टर साहब बोलते रहते हैं, हमारा भी है कि भारतीयता पे वापस आइए। सो मेरा जो माइक्रोबायोम कोर्स है दोस्तों अगेन, उसमें सारी चीजें मैंने कवर की हैं, माइंडसेट से लेके अपने बच्चों को अपने कैसे उनका माइंडसेट स्ट्रांग बनाना है, कैसे उनको अपने डर्ट में खेलने देना। अब हमने इतना ओवर स्टेरलाइज अपना एनवायरमेंट कर लिया है कि ऑटोइम्यून डिजीजेस राइज पे हैं और हम इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं और हम और सफाई की तरफ भाग रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। चारों तरफ IVF सेंटर्स खुल रहे हैं, अगले 20-25 साल में हमारे बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे, फिर भी हम उस तरफ भागी जा रहे हैं। सामने सच्चाई है फिर भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने दिमाग बंद कर रखा है और हम अपने आप को पूरी आज तक की जनरेशन में सबसे ज्यादा अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हैं क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा स्मार्टफोन आज के डेट में, आईफोन से स्मार्टफोन आज के डेट में कोई नहीं है, हम लेके बैठे हैं। तो सब कुछ कहने लगे थे प्लीज। हाँ मैं ये बोल रहा था कि जो आप लिविंग नॉन लिविंग में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, अब मुझे नहीं लगता कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी जितनी अंडरस्टैंडिंग है उसमें लिविंग और नॉन लिविंग में फर्क वात दोष का ही है। जिसमें वात है उसमें मूवमेंट है, चाहे वो प्लांट मूव कर रहा हो चाहे वो एनिमल मूव कर रहा हो, वात है उसमें। और नॉन लिविंग में वात की मात्रा बहुत कम या ना के बराबर है तो वो नॉन लिविंग। तो चूंकि हम वात दोष की बात कर रहे हैं तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो चीज मूवमेंट में है वो लिविंग है ऐसा हम मानते हैं, तो नॉन लिविंग में भी वैसा ही है। द ओनली थिंग इज वात वाली जो मतलब क्रिया है वो नहीं है उसमें या ना के बराबर है। ना के बराबर इसलिए कि द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग आर वायरसेस एंड क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल आपको मालूम है ना, इट नेवर लूजेस द पावर ऑफ ग्रोथ, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, दैट इज वाई उसको कई बार लिविंग भी मानते हैं और वो मतलब चलायमान है वो। और इसीलिए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स जो हैं, जैसे पिरामिड्स, जैसे आप जो मतलब अंगूठी पहनते हैं नीलम, ये भी क्रिस्टल है, ये एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हैं। और एनर्जीज का पहले अगर 20-25 साल पहले अगर ये बात बोली जाती लोग सोचते कि ढकोसला है, ऐसे कुछ नहीं होता है ऐसा। लेकिन आज जब एनर्जीज अपना रंग दिखाने लगी हैं, और वैसे भी एनर्जी की पूजा करते हैं हम, शक्ति कहते हैं उसे, और शक्ति की पूजा हम ही करते हैं और भी कई लोग करते हैं लेकिन कैमोफ्लेज वे में करते हैं, जैसे गॉडेस विक्टोरिया। विक्टोरिया कौन है आप अगर ठीक से देखें गूगल में वो इमेज उनका, उनके हाथ में भाला है, शेर के ऊपर सवार है, किसी का गला रेत रही है, वो विक्टोरिया कौन है? ठीक से देखिए आप, कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ दुर्गा का इंग्लिश नामकरण कर दिया है आपने,
मैं इसके बाद कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि जितने दर्शक हैं वो खुद देखें और खुद अपना कंक्लूजन ये निकालें कि गॉड इज विक्टोरिया कौन है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सभी चीजें भारत से ली गई हैं और भारत को बीच से काट दिया गया है कि भाई तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम तो वैसे ही पिछड़े टाइप के लोग हो, अब तो हमने ले लिया। उनको ये मालूम ही नहीं है कि जो अपना नॉलेज सिस्टम है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है, वो रोज बढ़ता रहता है। तो एनीवेज, तो कमिंग बैक टू दिस, जी अजीत, बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसीलिए हमारे को सनातनी होने में गर्व है, क्योंकि सनातन का मतलब ये है कि शुरू से ही रहा है, अभी है, सदा नूतन है, हमेशा रहेगा, क्योंकि हम एब्जॉर्ब करने में हमारे को कोई शर्म नहीं है, कोई नई चीज आ रही भी एब्जॉर्ब। और उसी में अगर मैं एक चीज बोलूं, जैसे फर्मेंटेशन के भी डॉक्टर साहब ने बात की कि 24-36 घंटे तक आप रोटी खा सकते हैं, उसमें फफूंदी फंगस नहीं लगेगा, तब तक वो जो है ना माइक्रोब्स काम कर रहे हैं, है ना। और फिर से इसी बात पे आप जाएंगे तो पहले गांव के बच्चे, पहले के जमाने में 20-30-40 साल पहले तक बच्चे बासी रोटी खाते थे और स्ट्रांग होते थे, और हम शहर के बच्चे जाते थे, हम नहीं खाते थे कि ये बासी रोटी खा रहे हैं, तो रीजन वही था। अब मैं जब फर्मेंटेशन का सिस्टम समझ रहा हूँ तो प्री डाइजेस्टेड फूड है ऑलरेडी, उसमें डाइजेशन का आधा काम हो चुका है ऑलरेडी, उसमें जो माइक्रोब्स ने अपना कमाल कर दिया है वो सीधा है आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, कोलन में जाएगा, तो उसमें अच्छे माइक्रोब्स आएंगे, मिनरल्स आपको रिलीज होंगे और आप स्ट्रांग होंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी तब बीमार होंगे नहीं। सो ये सब बातें हम कवर करेंगे अपने मैं अपने कोर्स में, मैंने लिंक दे दिया है, इसमें भी आप लोग आज साइनअप कर लें, फीस इसकी बढ़ सकती है। ये आज के प्रोग्राम के लिए मैंने रोक रखा था क्योंकि मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको मैंने हमेशा एक हफ्ते का टाइम देता हूँ, उनको स्पेशल प्राइसिंग देता हूँ, सो आज वो प्राइसिंग का लास्ट डे होगा और आप लोग साइनअप कर सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। मेरे गाँव से कुछ लोग जुड़ रहे हैं, वसीम अंसारी हैं, तो नमस्कार बेटा जी, खुश रहो। और बहुत सारे लोग आज जुड़े हैं, अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरे चैनल के दर्शक हैं वो डॉक्टर पांडे के चैनल पे जाएं और उनका चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाए करें, क्योंकि ऐसे हम प्रोग्राम्स 2024 में बहुत कुछ ज़्यादा कोलाबरेट करके मैं और डॉक्टर पांडे लाने वाले हैं, और आपका 2024 आप लोगों का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्यवर्धक साल बनाने का हमने प्रण लिया है, और उसमें हमारी कोशिश होगी कि जितना ज़्यादा आप लोगों के लिए कंटेंट ऐसा डिलीवर कर सकें कि आप घर बैठे आप ठीक हो सकें। और आप लोग हमेशा वेलकम हैं, हम जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि देहरादून में हम कुछ प्रोग्राम्स ऑलरेडी फाइनलाइज कर चुके हैं, उसका डिटेल हम रिलीज कर देंगे जल्दी। सो डॉक्टर साहब, आज आपने पूरा बहुत ब्यूटीफुल ढंग से इस पूरे टॉपिक को कवर किया है, अगर अब आप परमिट करें तो इतने सारे लोग जुड़े हैं कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है मेरे लिए कि सबके क्वेश्चंस मैं ले सकूं, लेकिन कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कहें तो मैं लेना शुरू कर दूं। डॉक्टर साहब हाँ जरूर लें, और हम लोग ये क्वेश्चंस लेके, मैं ये भी चाहूंगा कि जिन लोगों का क्वेश्चंस नहीं लिया गया या नहीं ले पाए हम, वो हतोत्साहित ना हो, वो अपना ये इसमें डाल दें और हमारी बैकएंड टीम उसको छांट के आस्क डॉक्टर पांडे शो में वी विल ट्राई टू टेक अप, बिकॉज वो एक फ्री लाइव जैसे हम पेशेंट्स को वो करते हैं और उनको बताते हैं कि क्या करना है, तो वो आस्क डॉक्टर पांडे शो में लिया जा सकता है। हम ये भी प्लान कर सकते हैं 2024 में कि अगर ओवरवेलमिंग है, क्योंकि कई लोग जो हमसे जुड़े हैं अपना छोटे छोटे स्वार्थ भी होते हैं लोगों के, कि वो कुछ पूछना चाहते हैं और छोटी सी बात पूछना चाहते हैं, वो सोचते हैं अगर मौका मिल गया तो हम उनको भी निराश नहीं करेंगे। तो आप अपने क्वेश्चंस लिख के डाल दिया करें, बैकएंड टीम उसको एनालाइज करेगी एंड वी विल टेक देम अप। ज्यादातर क्वेश्चंस बहुत सिमिलर होते हैं, तो अगर एक का लिया तो मैक्सिमम को आंसर्स मिल ही जाते हैं, तो वी विल ट्राई टू एड्रेस ईच एंड एवरीवन। तो आप अपना प्रॉब्लम जरूर बताएं, ये सोच के ना बताएं कि नहीं इतनी भीड़ में मेरा कौन सुनेगा, हम सुनने वाले हैं और हमारी बैकएंड टीम लगी हुई है, और आप जरूर लिख के भेजें, वी विल ट्राई टू एड्रेस ईच एंड एवरीथिंग। जी
देखिए डॉक्टर साहब, अभी जो आपने प्रोग्राम किया है इस पे ये बहुत तेज मैसेज आ रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे। पत्ता अमृत जो सावर क्राउट है जो मैं फर्मेंटेशन क्लास में करता हूँ, और चावल का पानी जो फर्मेंटेड राइस वाटर है, उसका कह रहा है कि मेरे वायु दोष को दूर कर दिया है, इसके लिए आप दोनों को धन्यवाद। एक तो पहला ये क्लियर कट है कि इससे मैं बहुत फायदा होता है। दूसरा दोस्तों, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बोला डीके सिंह जी कि आप वेरिकोज के बारे में परेशान हैं, तो डॉक्टर साहब ने इस पर बहुत विस्तृत में, मैंने डॉक्टर साहब के साथ ये प्रोग्राम किया हुआ, चैनल पे जाइए मेरे, उस पर वेरिकोज वेन्स के नाम से आपको मिल जाएगा। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट ये करूँगा दोस्तों कि दोनों हमारे चैनल पर, हमारा काम एजुकेशन का है, उस पर आप जाके चैनल पर जाके वो जो टॉपिक आपका है ना उस पर सर्च करेंगे तो आपको 99% आपको वो टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा। आप एक बार वो देख लें, उसके बाद से अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो इस संडे का शो, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला है, डॉक्टर साहब कोशिश करते हैं हर सवाल का जवाब देने का, तो उस पर फिर पूछिए, फिर मज़ा आता। थोड़ा सा रिसर्च आप लोग भी अपने एंड पे करें, तब मज़ा आता वो काम करने का। अब ये सवाल इससे करता हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारा कॉम्प्रिहेंसिव वे होता है, और मैं खुद शहद का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन शहद के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। जैसा हमने शिलाजीत के बारे में किया था प्रोग्राम, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम गया था, और अभी तक मेरे पास आता है कि असली शिलाजीत कैसे पहचान करें। सेम थिंग विद लास्ट वीक, हमने जो रॉ डाइट पे किया है, बहुत ज़बरदस्त लोग पसंद कर रहे हैं वो प्रोग्राम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि जिन्होंने नहीं देखे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें डॉक्टर ने बहुत सारी भ्रांतियाँ जो दिमाग में रहती हैं वो बड़े प्यार से आराम से समझाया आपको सिंपल भाषा में, जो उनका डॉक्टर साहब का USP है, तो वो जाके ज़रूर देखिए। तो डॉक्टर साहब, इसमें आप ये पूछ रहे हैं कि जो शहद है वो कितना लाभकारी है, और इसके बारे में मैं आपसे फर्दर एक स्टेप और पूछूंगा डॉक्टर साहब कि शहद, असली शहद की पहचान आप कैसे करते हैं डॉक्टर साहब? जी, तो एक तो जो असली शहद होगा उसकी यही स्टिकीनेस की बात है, जो स्टिकीनेस कंसिस्टेंसी विल बी स्टिकी, जो भी चीज आपको कंसिस्टेंसी उसकी स्टिकी दिखे, अगर वो प्योर है तो आपके HDL को बढ़ाती है, और HDL आपका वात दोष कम करता है। आपको पहली बात, तो चाहे वो शहद हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो कोई भी चीज जो स्टिकी है, तो शहद उनमें से एक है। शहद आप जरूर ले सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू ऑल दी कंपनीज, जो उनकी कंपनी भी चल रही है, बहुत एम्प्लॉयज का, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, बहुत, हमें ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए, हमें बचना चाहिए इससे। एक दो बातें हैं कि ये जो शहद मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल है, ये इसमें मिलावट है। अगर आपको प्योर शहद मिल सके जो छत्ते से निकाला गया हो, उसकी पहचान यह है कि वो अगर ईस्ट के तरफ से खाएंगे उसका टेस्ट डिफरेंट होगा, वेस्ट के तरफ से खाएंगे उसका टेस्ट डिफरेंट होगा, नॉर्थ के तरफ डिफरेंट होगा, साउथ के तरफ डिफरेंट होगा, नॉर्थ ईस्ट के तरफ डिफरेंट होगा, साउथ ईस्ट के तरफ डिफरेंट होगा। हर एक जो जो दस हम दस के जानते हैं, दस दसों दिशाएं, दसों दिशाओं में वो जो फैला हुआ उसका टेस्ट हर हर दिशा में डिफरेंट होगा, वो एक्चुअल शहद है। उसको मिला के जो एक वो बनता है, जो बॉटल में लेके आपके पास अगर कोई आता है तो वो स्वाद तो सेम होगा, लेकिन वो उतना ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा जितना मार्केट में अवेलेबल है, नंबर वन। नंबर टू, उतना मीठा नहीं होगा जितना मार्केट में अवेलेबल है। तो ये दो चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है कि असली शहद कैसे पहचाने। अगर बहुत ज्यादा मीठा और बहुत ज्यादा टेस्टी है, इमीडिएटली समझ जाएं ये मार्केटेड है, ये हो सकता है रियल ना हो। और रियल हनी, और ये मैं चैलेंज करता हूं, ऐसे कई लोग कहते हैं, तो चैलेंजेस इसलिए वो औंधे मुंह गिरते हैं, बिकॉज जो नेचुरल का लेबल, 10% ऑफ द इंग्रेडिएंट्स हैव टू बी नेचुरल, उसमें मिल जाता है, नेचुरल का लेबल आप यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें झोल बहुत है, हम उसमें नहीं घुसना चाहते हैं। आपको शहद का आंसर दे रहा हूं कि शहद वो है जिसकी कंसिस्टेंसी उतनी थिक नहीं है जितना थिक अवेलेबल है मार्केट में, नंबर वन। नंबर टू, वो उतना मीठा नहीं होगा जितना मार्केट में अवेलेबल है,
नंबर थ्री, आपको सोर्स के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि सोर्स क्या है जी। तो अब जैसे हमारे यहाँ जो जो हमारे यहाँ जो शहद है, हम कभी भी 70 रुपए किलो और 200 रुपए किलो में नहीं बेच सकते हैं, नहीं दे सकते हैं लोगों को, इसीलिए हमने सिर्फ पेशेंस के लिए रखा है। हमने कमर्शियल सेल, हम इस लाइन में नहीं, हमारा काम है पेशेंट को जो रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पर इस प्रमाइसेस में पूरा कर सके, हमारा कोई मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन जिस रेट में ये लोग शहद और ये मार्केट में मिल रहा है, हम चूंकि प्रोक्योर करते हैं, हमें पता है कि हम उस रेट में हम उसको मैच नहीं कर सकते, कभी भी नहीं हो सकता है। जी जी डॉक्टर साहब, संतोष कंवर जी, आपका सवाल ये है कि आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मांग रही हैं या मांग रहे हैं सो डैट कि आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। सो ये कोर्स का लिंक मैंने इस यहाँ पे दे दिया है और मैं शो ख़त्म होने के बाद भी डाल दूंगा ये लिंक। वंस यू साइन अप फॉर द कोर्स, वो एक्सक्लूसिव ग्रुप है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें पहले शुरू में हमने बिल्कुल जो लोग हमारे साथ शुरू से 2 साल से जुड़े उनको जोड़ा मैंने। उसके बाद से मैंने देखा कि बस ऐसे ही लोग जुड़ रहे हैं जैसा डॉक्टर ने बोला भी है, जो सीरियस लोग हैं उसको अब मैं जोड़ के, क्योंकि वो बड़ा एक्सक्लूसिव ग्रुप है और हम एक दूसरे की हेल्प के लिए बैठे हैं लेकिन कोई मेडिकल एडवाइस उसमें नहीं होता। सो वो आप ये आज ज्वाइन कर लें क्योंकि कल से फीस बढ़ जाएगी, आज के लिए लिंक ये रहा। दूसरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपसे ये है, और ये मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर साहब, कि आप अपनी बुक रिलीज करिए डॉक्टर साहब, लोग आपकी बुक के लिए आतुर हैं। अनुज कुमार जी कह रहे हैं कि हिंदी वर्जन की बुक कोई बताने का कृपा करें जो डॉक्टर साहब रिलीज कर रहे हैं। जरूर, हम मतलब ये दिस वी हैव टेकन सीरियसली, वी आर वर्किंग ऑन इट। उसमें हमने एक टीम स्पेशली बुक राइटिंग के लिए एक टीम की टीम गठित किया है, उनसे हम रोज बात करते हैं, रोज हम 25 मिनट हमारी बातें होती हैं, मैं कुछ चीजें शेयर करता हूं, वो लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो उसमें हम जो बुक लेके आएंगे उसमें टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन मैं ये जरूर प्रॉमिस कर सकता हूँ उसमें बहुत मेहनत इन्वॉल्व होगी और बहुत वो दैट विल नॉट बी फॉर जस्ट लाइक दैट कि मतलब वैसे कोई बुक लिख दिया और मार्केट में सेल के लिए फिर पैसे के लिए, नहीं, हम वो काम नहीं करेंगे जी। कोशिश हमारी है कि जितना जल्दी आए। जी बिल्कुल, और दोस्तों मैं हमेशा ये बोलता रहा हूँ कि जब हिस्ट्री बन रही होती है ना तो हमें उसका आइडिया नहीं हो रहा होता। इस टाइम पे जो हिस्ट्री है ना, फ्यूचर जनरेशन से याद करेंगी जो ये अभी काम हो रहा है, जो डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पिछले 1000 सालों में जो वाइप आउट हो गया है, जो हमारा नॉलेज बेस रहा है उसको हटा के, जो हमारे को ये गलत चीजों में हमारे को दिखाया गया कि यही साइंस है और उससे हमारे को कैसे बीमारियां सब कुछ लगी सबको पता है, तो इसके लिए जो काम हो रहा है ये आगे फ्यूचर जनरेशन हमेशा याद रखेंगी, क्योंकि अब जो रिकॉर्ड होगा वो कोई डिलीट नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटीज में पांडुलिपियां नहीं होंगी जो बाहर से आतताई आएंगे और उसको जला के चले जाएंगे। अब ये जो काम होगा जिंदगी भर पूरा, मतलब वाकई में सनातनी काम हो जाएगा कि वो जिंदगी भर जब तक संसार रहेगा ये चीजें रहेंगी और नॉलेज ऐसा है कि हमेशा एवरग्रीन रहेगा। और उसके बाद से मैं फिर से यही बोलता हूँ कि 30 साल के बाद ही लोग कहेंगे कि ये बिना माइक्रोबायोम के डॉक्टर्स दवाइयां दे कैसे रहे थे, ये जो दवाइयां दे रहे थे इसे तो माइक्रोबायोम मर रहे थे, तो इनको क्या ये बात सिंपल सी लॉजिक समझ में नहीं आ रही थी। तो ये बातें 30 साल के बाद हम करेंगे और आप लोग जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, ये हमारा ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चल रहा है। अगला सवाल है डॉक्टर साहब, स्वीट बेबी एवी अरमान इनका नाम है, यूट्यूब नाम इनका, क्वेश्चन है डॉक्टर साहब क्या डिफॉर्मिटी आरए का कोई इलाज है, प्लीज बताइए। हाँ, तो अगेन मैं एक बात जो आपने बोली वो उसका मैं थोड़ा खंडन करना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर्स का जो एंटीबायोटिक्स और ये सब इंट्रोड्यूस करने का अगर आप इतिहास में जाएं तो लुई पास्टर का बहुत बड़ा रोल है उसमें, और लुई पास्टर ने अपने लाइफ टाइम में ही समझ लिया था कि शायद ये मैंने ठीक नहीं किया, क्योंकि उसके काउंटर इफेक्ट्स आने उसके लाइफ टाइम में ही शुरू हो गए थे। उन्होंने, बहुत कम लोगों को पता होगा, उन्होंने एक वसीयत बनाई कि मेरे तीसरे जनरेशन में ये वसीयत खोली जाएगी, मेरे जनरेशन तक, मेरे नेक्स्ट जनरेशन तक, उसके नेक्स्ट जनरेशन तक नहीं खोली जाएगी, उसके बाद वाले जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में ये खोली जाएगी। तो वो खोल के ये सारा कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो मैं चाहूंगा
कि जो इंटरेस्टेड लोग हैं जरूर पढ़ें, और जो प्रॉब्लम ये नहीं है क्योंकि उस समय ऐसा अपेरेंटली दिख रहा था कि एंटीबायोटिक लाइफ सेविंग ऐसा दिख रहा था, अभी भी कई केसेस में मतलब हालांकि बहुत कम है लेकिन कई केसेस में हम भी रेकमेंड करते हैं कि नहीं भाई आप, क्योंकि हमारा पहला एम है टू सेव लाइफ, द सेकेंड एम इज टू मेक द सेव्ड लाइफ हेल्दी। तो ये है जरूर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आप 50 इयर्स पहले डिस्कवर हुआ, इफ यू आर स्टिकिंग ऑन टू दैट एंड इफ यू आर नॉट चेंजिंग, दैट मीन्स इट हैज बिकम योर रिलीजन, इट्स नॉट साइंस एनीमोर। साइंस हैज टू चेंज विद टाइम। तो ये चेंज साइंस है जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो जितने डॉक्टर्स इस चेंज साइंस को समझते हैं वो अग्री करेंगे आपकी बातों से। जो लोग वही लकीर के फकीर वही पकड़ के बैठे हुए हैं कि जो पहले था वही ठीक है, तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि ज्यादा दूर की बात नहीं है, 1964 का WHO के गाइडलाइंस देख लीजिए। 1964 में हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे उस समय। 1964 के WHO गाइडलाइंस में 160/110 वाज नॉर्मल ब्लड प्रेशर। आप कैसे, आप हाउ डू यू जस्टिफाई दैट, हाउ डू यू से दैट? कहने का मतलब है कि तब वो राइट थे कि अब राइट है? कोई बोलेगा जो उनसे नफरत करता है, बोलेगा वो उस समय भी गलत थे आज भी गलत है, ऐसा नहीं है। दिस इज एन साइंस इज एवर इवॉल्विंग, ये इवॉल्व करता रहता है। तो यू हैव टू कीप पेस विथ द इवोल्यूशन दैट इज हैपनिंग रादर देन ब्लेमिंग समथिंग इन द पास्ट। ये मैं मतलब बताना चाह रहा, जस्ट एक एड ऑन। दूसरा ये था कि जो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या प्रश्न क्या था अजीत? ये डिफॉर्मिटी आरए का था ना डॉक्टर साहब? हाँ, आरए का डिफॉर्मिटी, आरए का डिफॉर्मिटी अगेन वाद दोष है, वो ठीक हो सकता है लेकिन एक दिन में नहीं होगा, उसमें 2-3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कि डिफॉर्मिटी का एंगल क्या है और कैसे डिफॉर्म्ड है, फिंगर्स कितने डिफॉर्म्ड है, कि फिंगर्स, सबसे पहले डिजीज प्रोसेस को ठीक करना जरूरी है, उसके बाद डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने की स्थिति में लाना जरूरी है, इम्यून सिस्टम को एम्पावर करना जरूरी है, क्योंकि हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेगा आपका इम्यून सिस्टम करेगा, उसको एम्पावर कैसे करना है, और आपको एलिनिएशन और आपका फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करना है ताकि इम्यून सिस्टम को ये सिग्नल जाए कि चीज यहाँ पे गड़बड़ है और इसको ठीक करना है, और इम्यून सिस्टम धीरे 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 मॉड्यूलेट करे। तो ये बेस्ट ये होगा कि जो लोग ऐसे, क्योंकि जो लोग रोज देखते हैं उनको बहुत फर्क नहीं दिखेगा, इसीलिए इट इज अ गुड आइडिया कि पहले फोटो खींच लिया जाए, एक एक महीने पे फोटो खींच के देखा जाए, अपने आप आपको दिखेगा कि वो एंगल चेंज हो रहा है। हम पेशेंट्स को ऐसे ही करते हैं और उनको दिखाते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की, मैं भी थोड़ा सा कुछ ऐड करूंगा जरूर डॉक्टर साहब। अभी आधा घंटा पहले भी मैंने बात जिक्र किया था कि लुईस पाश्चर का कंटेम्प्रेरी था एंटोनी विशैम, और वो टेरेन की बात करता था, वही की भी टेरेन है, मतलब पूरा इकोसिस्टम है। और वो जो मैं अपने माइक्रोबायम कोर्स में भी बोलता हूँ कि आपका बॉडी में 1200-1500 से लेकर ज्यादा तरह के भी माइक्रोब्स डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, और जितना डाइवर्सिटी हो गया, जितना इट्स लाइक अ जंगल, इट्स लाइक अमेजन फॉरेस्ट और हिमालयन की पहाड़ियों में जैसे पूरा वादियों में जिस तरह के डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना वैसा है। तो उसमें जब अच्छे वाले ज्यादा होंगे, जैसे मैं बताता हूँ 80-85% भी अगर आपके पास अच्छे माइक्रोब्स हैं, सो इट्स गुड इनफ। जो डॉक्टर साहब की भाषा में कि पाकिस्तान है तभी भारत स्ट्रांग है, क्योंकि पाकिस्तान भारत को प्रोवोक करता रहेगा तो भारतीय सैनिक स्ट्रेस में थोड़ा सा आएंगे और स्ट्रांगली उनको रिपेल करते हैं, और धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो गए। तो आज की डेट में अगर आप कंपेयर करेंगे, वैसे तो पहले भी भारत ने बुरी तरह से हराया, लेकिन आज की डेट में भारतीय सैनिक बिल्कुल जबरदस्त, मतलब चीनियों को भी जाके मार मार के वापस आ गए। तो वही हाल हमारे माइक्रोब्स का है, अगर खराब माइक्रोब 10-15% है तब भी हम अच्छे हैं। तो एंटोनी बिशप यही कहता था कि आपका पूरा इकोसिस्टम आप बना के रखिए, उससे खराब माइक्रोब्स का ख्याल अच्छे वाले अपने आप रख लेंगे। लेकिन लुईस पाश्चर जीत गया, जो कहता था नहीं, खराब माइक्रोब्स को अपने मारना ही मारना, एंटीबायोटिक डालो मारो, और जैसा डॉक्टर साहब ने बोला कि बहुत लोगों की लाइफ बची है एंटीबायोटिक से। लेकिन
जब लुईस पाश्चर खुद मर रहा था तो दोनों फ्रेंच थे, उसने फ्रेंच में जो बोला था मैं अभी कोट नहीं कर पाऊंगा, मेरे को नहीं याद है, बट जो मरते हुए जो लुईस पाश्चर ने बोला था कि माइक्रोब्स नथिंग टेरेम इज एवरीथिंग, मतलब एक खराब पैथोजन कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास डाइवर्स माइक्रोबायोम है तो आपका इट टेक्स केयर ऑफ इट्स ऑन इट्स ओन, एंड दैट इज व्हाई द पावर ऑफ द माइक्रोबायोम एंड माइक्रोब्स। हेंस इस चीजों को अगेन होलिस्टिक वे में जी लाइफ जिएगा तो अपने आप सब चीज नेचर केयर टेक केयर कर लेता है। ये आपका एक बहुत जबरदस्त टेस्टिमोनियल है डॉक्टर साहब, मुनीरा जी का है, मुनीरा फैटकोट ये लिख रहे हैं कि भैया मैं जितना हो सके डॉक्टर पांडे बताते हैं वो करती हूँ, मुझे एस्थमा में बहुत फायदा हुआ है, आज मैं 4 साल से अब एक भी गोली नहीं खाई हूँ, पहले घुटने पिंपल्स की क्या क्या गोलियां खाती थी। सो ये अभी जो हम बात कर रहे थे कि हमारा मकसद यही है कि आप सिर्फ वीडियोस देख के उसको फॉलो तो करके देखिए ना, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं ना करके तो देखिए, आप अब करते भी नहीं और कहते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी आपने बुक के बारे में बात की तो अब बताया डॉक्टर साहब ने कि कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आए, लेकिन जब आएगा तो आपको जरूर हम बताएंगे। चेतना जी भी कह रही है प्लीज बुक लिखिए ताकि आपको नॉलेज हम एक बुक में मिल सके, और जो नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था यही बात अभी मैंने की है कि अभी सदा के लिए रहेगा। प्रणाम पांडे सर, आपको हमारी भी उम्र लग जाए ताकि देश का कल्याण हो सके। ये सुनीता जी भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की हैं मेंबर। सो अगेन थैलेसीमिया चिल्ड्रंस के लिए कुछ कीजिए सर, धनंजय प्रमाणिक जी कह रहे हैं जी। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया की बात की ना आपने जी, अभी हमारे पास एक पेशेंट यहीं पे दाखिल है ए प्लास्टिक एनीमिया का, विच आर इम्पॉसिबल पेशेंट्स, ये इम्पॉसिबल पेशेंट्स है। थैलेसीमिया उतना इम्पॉसिबल भी नहीं, बट वी दे आर वेलकम एंड ये अश्योरेंस है कि हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और ज्यादातर चांसेस हैं कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए, कभी कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत ना पड़े, सारे पैरामीटर्स इनके नॉर्मल आ जाए, इसी को नॉर्मल कहते हैं। तो कोशिश अपनी ये रहेगी, थैलेसीमिया ठीक होने में 6 months to 1 year लगता है, आपको उतना पेशेंस भी होना जरूरी है। बहुत सी चीजें हम ये ट्राई कर रहे हैं कि हमसे फास्ट कोई नहीं, किसी भी चीज में हमसे फास्ट कोई नहीं, लेकिन कुछ बीमारियां ही ऐसी हैं जो इतना टाइम लगाती हैं, वो मे बी हमें उसका शॉर्टकट्स पता नहीं है, लेकिन थैलेसीमिया में 6 months to 1 year लग जाएगा उसको ठीक होने में, इसलिए आप अपना पेशेंस बरकरार रखिएगा। और इवन टाइप 1 डायबिटीज के लिए मेरे पास बहुत क्वेरीज आते हैं कि आप पक्का बताइए, ये बताइए, वो बताइए। मैं आपके माध्यम से और अपने जितने दर्शक हैं, आपके दर्शक और हमारे दर्शक दोनों, उनको मैं एक बहुत क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो क्योरेबल नहीं है, हो सकता है हम ना कर पाए, नंबर वन। नंबर टू, टाइप 1 डायबिटीज तो नोन बीमारी, इसका क्योर संभव है, द ओनली थिंग इज इट माइट टेक सम टाइम, और ये टाइम हमारे ऊपर नहीं डिपेंड करता है, ये टाइम उस पेशेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितना हमारी बात सुन के फॉलो करता है, इसीलिए ये ज्यादातर हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए प्लीज कीप अ वेरी पॉजिटिव माइंड और यकीन करके चलिए, हम आप तक कुछ लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करके लेके आते हैं, और उसको ये करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत श्योर हूं कि आज वात दोष हमारे बहुत से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स देख रहे होंगे, मैं बहुत श्योर हूं कि उनको, उनके लिए भी कुछ मैसेज हो, कुछ नई चीज हो जिसमें मैं मॉडर्न मेडिसिन से ऐड कर सकूं, इस बात का मैं ख्याल हमेशा रखता हूं कि किस टाइप के लोग ये प्रोग्राम देख सकते हैं और उनको फ्यूचर में भी क्या लाभ मिल सकता है उससे। जैसे वात दोष, वो एक जनरल से बात की, हमने एक सेल के लेवल पे हम लेके आए उसको, ये कहीं भी आयुर्वेद में जहां तक मेरी जानकारी है मेंशन नहीं, सेल के लेवल तक मेंशन नहीं है। हमने कोशिश किया सेल एज ए यूनिट ऑफ लाइफ दिखाने का, ताकि हम आपको बता पाए कि साइटोप्लाज्म में अगर कोई दिक्कत है, साइटोप्लाज्मिक वॉल में अगर डेंट पड़ गया है तो कफ का दोष है, अगर उसके मूवमेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वात का दोष है, उसके टेम्परेचर में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पित्त का दोष है। इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं ट्राई किया
पेस्ट करने का, ताकि लोगों को ये बात समझ में आ सके कि एक्चुअली ये चीजें है क्या, और एक्चुअली बहुत बड़ी चीज है। जी जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बोला भी था ना कि जो हम गारंटी तो नहीं दे सकते रिजल्ट का, लेकिन जो हम चीज लोगों के सामने पेश करते हैं उसकी गारंटी जरूर देते हैं कि हम अपना, हमने वी गेव आवर बेस्ट, उसकी गारंटी में हमेशा यही हमारा, हमारी कोशिश अपनी जो है उसमें आपको 1000% वो आपको दिखेगा। तो संतोष कंवर जी यही बोल रहे हैं कि आई हैड डन कोर्स इन देहरादून विद डॉक्टर पांडे एंड यू नो दैट्स व्हाई आई एम वेरी सीरियस फॉर योर कोर्स नाउ, सो लिंक मैंने दे दिया। दैट इज द टेस्टिमोनियल कि लोग एक बार जो हमारा, ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने बहुत सारे कोर्सेज मैंने भी किए हैं, बहुत सारे सेमिनार्स मैंने भी अटेंड किए हैं, लेकिन वो सिर्फ यू नो और इट्स ऑल फ्लफ मार्केटिंग, और वहां पे जाओ तो कंटेंट के नाम पे कुछ नहीं होता, बस उतना ही होता है जो आपको मार्केटिंग में दिखता है। लेकिन मैंने आपका भी डॉक्टर वहां पे देहरादून में जो वाइब्रेशन का कोर्स वहां पे अटेंड किया था इन पर्सन, इट हैड सो मच मोर, सो मेनी डिफरेंट लेयर्स, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स व्हिच आई हैड नेवर न्यू एग्जिस्टेड। जबकि आई कंसीडर माय सेल्फ थोड़ा बहुत ही मैं पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा मैं रिसर्च करने में ज्यादा रखता हूँ, जैसे मर्म चिकित्सा पे आपने चीजें दिखाई, और जो आपने वही चीज अभी बोली कि हमें लगता है कि फास्ट नहीं है जो ये पैथीज हैं जो आपकी, इसमें धीरे धीरे फायदा होगा, जबकि आपने दिखाया वहां पे राइट देयर ऑन द स्टेज कि ये इससे फास्ट और क्या मुझे आप दिखाइए, और बिना किसी दवाई के। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस डॉक्टर पांडेज पैथीज इंटीग्रेटिव मेडिसिन। सो दैट्स व्हाई आप लोग आइए आखिरी हफ्ते में एक बार हमसे रूबरू मिलने के लिए, 25 फरवरी को शायद लास्ट संडे है, कोर्स में एनरोल करिए, अपना इंटरेस्ट शो करिए वायु वर्कशॉप पे, पेन मैनेजमेंट के फर्स्ट वीक में मैं भी देहरादून में मैं भी आऊँगा, इन तीनों चीज़ों के लिए आप लोग एनरोल करिए। और जैसा डॉक्टर साहब ने बोला कि डॉक्टर साहब की कोशिश होती है कि इवन डॉक्टर्स को भी एजुकेट कर सकें इस हिसाब से, तो इसको हम रैपअप करने के लिए, क्योंकि एक डॉक्टर का ही क्वेश्चन आया, लास्ट क्वेश्चन लेंगे डॉक्टर साहब और फिर हम इसका आज का इसको ख़त्म करेंगे। डॉक्टर जे बी विश्वकर्मा, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट इनका नाम है, ये कह रहे हैं नेजल पोलिप्स को ठीक कैसे करें, प्लीज बताइए। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत से लोगों का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। इसको स्वर विज्ञान कहते हैं, स्वर विज्ञान पे मैं काम कर रहा हूँ, चूंकि मैं पाइनल ग्लैंड पे काम कर रहा हूँ इसलिए मेनी एंड वेरिड, आप सोच नहीं सकते हैं मैं किन किन चीजों पे काम कर रहा हूँ, वो मैं यूजुअली थोड़ा फ्लैम वो एक्सट्रोवर्ट होके बताना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन कोशिश अपनी ये होती है कि जो अपने पेशेंट्स हैं जिनको हम लेक्चर देते हैं, जिनको हम ये करते हैं, उनको सारा कुछ ये बताएं। कमिंग बैक टू नेजल पॉलिप्स, जहां पर आप जो खेत आप यूज, जो मेड़ आप अगर रोड पे चलते हैं, आप अगर घास पे भी आप बार बार उसी रास्ते पे चलते हैं, तो वहां पर एक लकीर पगडंडी बन जाती है, तो वो आपको 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 दिखता है। आपको नाक दिया गया है सांस लेने के लिए, अगर आप मुंह से सांस ले रहे हैं उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें घास की तरह उगाएगा जिसको पॉलिप कहते हैं आप, उसका उपाय यह है नाक यूज करना शुरू कर दीजिए, और जो पॉलिप्स निकल आए हैं वो चले भी जाएंगे, उसको ज्यादा यूज करिए। उसमें नस्या होता है जो हम यहां पर कराते हैं षट कर्म में, और जैसे पंचकर्म आपने नाम सुना होगा, षटकर्म भी एक चीज है। जब हम आयुर्वेद के ऊपर या नेचुरोपैथी के ऊपर कोई कोर्स करेंगे तो पंचकर्म और षटकर्म दोनों करेंगे और दोनों का बेनिफिट्स बताएंगे, लेकिन षटकर्म में ये एक कर्म है जो हर एक इंसान को रोज करना चाहिए। नंबर वन, नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि में आप दोनों नाक चलाते हैं कम से कम, तो बहुत से आपके प्रॉब्लम्स जो आपके नाक के होंगे या फिर अपर ये मैक्सिला के होंगे, फ्रॉम इन्फेक्शन टू कैंसर, साइनोसाइटिस से लेके मैक्सिलरी कैंसर तक, मैक्सिला का जो कैंसर होता है, नेजोफेरिंग्स का जो कैंसर होता है, नहीं होगा अगर आप उसको ठीक से चलाते हैं। तो इसीलिए मेरा पहला रूल है आपको नाड़ी शुद्धि रोज करनी है। सेकेंड रूल इज, अगर आप कर सकें और ठीक से ट्रेनिंग ले सकें किसी से भी, जो लोग जलधार करते हैं उसको जलधार कहते हैं, क्योंकि कई लोग सूत्रधार भी करते हैं और कई लोग रबर वाले ट्यूब से भी करते हैं, वो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आप बिना कोई गुरु के ट्राई करें, लेकिन जलधार आप बड़े आराम से सीख के आप ये कर सकते हैं। आप जब वात दोष का अटेंड करेंगे हम आपको जलधार करके बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि करना कैसे है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ये है। तो वो आप अगर करें,
अगर यही दो चीजें जो मैंने अभी बताई हैं आप अगर कर ले, आप अपने पॉलिप से निजात पाएंगे। हाँ, इसमें समय की प्रक्रिया पॉलिप के साइज पे डिपेंड करता है, आप कितना ये बात मानते हैं उस पर डिपेंड करता है। ऑन एन एवरेज 45 days to 3 months लग सकते हैं पॉलिप को जाने में, आप ट्राई करके देखिए। जी जी डॉक्टर साहब, तो आज हम प्रोग्राम का समापन यहीं करेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि ऑलरेडी 1.25 घंटा हो चुका है और आपके साथ आज शो करके बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि आज हमने पहली बार इकट्ठे दोनों चैनल पे इकट्ठे प्रोग्राम हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। सो आगे हम और ऐसे कोलाबरेट आपके साथ करके हम और ज्यादा दर्शकों तक पहुंचने का उम्मीद है। सो एक बार फिर से दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर पांडे के चैनल पे जाइए, उनका चैनल सब्सक्राइब करके, बहुत सारी वीडियोज है फ्री की, वहाँ पे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सेम थिंग डॉक्टर साहब अपने चैनल के दर्शकों से रिक्वेस्ट कर चुके हैं। सो डॉक्टर साहब बस आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, धन्यवाद। सो दोस्तों आज डॉक्टर साहब के साथ इतना ही, आज डॉक्टर साहब से हमने 15 मिनट एक्स्ट्रा चुरा लिए, आज मैंने बात नहीं की क्योंकि मुझे था कि आज क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, लेकिन आज विषय ऐसा था कि डॉक्टर साहब का नॉलेज इतनी ज्यादा कि वो फ्लो में चलते रहे और मैंने उनको बिल्कुल रोका नहीं, क्योंकि बातें उन्होंने जो बताई हैं वो आप लोगों के बहुत काम की बताई हैं। आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, उनको अमल करिए, अपनी जिंदगी से रोग हटाइए। रोग आता है तो आपकी हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट इम्पैक्ट करता है, आपकी फैमिली लाइफ से लेके आपकी फाइनेंशियल हेल्थ सबको इम्पैक्ट करेगा। सो पहला धर्म आपका ये है कि अपने आप को स्वस्थ रखिए। जैसा चाणक्य ने कहा है कि सब कुछ आपका वापस आ सकता है अगर आपका सेहत ठीक है तो, लेकिन अगर आपने सेहत ही खो दिया तो सब कुछ रहना बेमानी हो जाता है। इसलिए अपने लिए इतना आप करें कि दिन में 1 घंटा निकालें, मेरा प्रोटोकॉल फॉलो करें। अब आप पूछेंगे मेरा प्रोटोकॉल क्या है, तो मेरा कोर्स साइन अप करें, मैं अभी लिंक दे देता हूँ इस डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में, सबसे ऊपर कमेंट डाल के मैं पिन कर रहा हूँ। सो आज के लिए इतना ही, जय भारत जय हिंद, स्वस्थ भारत स्वस्थ हिंद, वंदे मातरम, जय गो माता, जय भारत।